हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सुखमणि कौर सोढ़ी। आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट, अ टैरो कार्ड रीडर एंड अ लाइफ डिज़ाइनर। तो आज हम बात करेंगे, क्या आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। टैरो कार्ड रीडिंग आज हम करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपके पास मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आती रहें। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज रीडिंग लेना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंशनड होती हैं, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड रीडिंग, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबको कि प्लीज़ कनेक्ट करें गॉड से, भगवान से कनेक्ट करें अपने आप को, और यूनिवर्स से कनेक्ट करें, एंजल से कनेक्ट करें। और अपना जो भी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कि क्या आपको आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन को सोचें। जिस भी इंसान के लिए आपको क्वेश्चन, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उस इंसान का नाम लें अपने मन में और प्लीज़ कनेक्ट करें भगवान के साथ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, अपने आप को कनेक्ट करें भगवान के साथ, और उसके बाद हम कार्ड्स में देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपकी उनसे फिर से बात होगी या नहीं होगी। तो प्लीज़ उससे पहले आप अपने आप को कनेक्ट करें। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं आगे। क्या आपके पर्सन आपको कॉल करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे, आज का ये टॉपिक है। आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे। गाइज, कौन से कार्ड निकले हैं? फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड इज फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द थर्ड वन इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द फोर्थ कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स, एंड लास्ट वन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, तो ये हैं आपके कार्ड्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन गैप बिल्ड हो गया है, आप लोगों की बात नहीं हो पा रही है, और जो वजह है उसके पीछे वो कुछ बड़ी वजह लग रही है मुझे। कोई आर्ग्यूमेंट आपका बहुत ज़्यादा हीट अप हो गया, गुस्से में आके आप लोगों की बात होनी बंद हो गई है, या हो भी रही है जिनसे, तो तब भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन पूरे तरीके से नहीं हो पा रही, मुझे कम्युनिकेशन गैप कहीं ना कहीं दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम हो गई है आप लोग के अंदर, जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, और जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ वो इंसान भी बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत खुश हैं, वो भी परेशान हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर। और आप दोनों के बीच में इस सिचुएशन आ गई कि आप चाहते हुए भी वो काम को, आप कॉन्टैक्ट एक दूसरे को नहीं कर पा रहे हैं। उनकी साइड से ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं हैं, वो भी चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो रुक गए हैं, और उसके पीछे भी कुछ वजह मुझे ऐसी दिख रही है। शायद उनको ऐसा लगता हो कि अगर वो कॉन्टैक्ट करते भी हैं या बात करते भी हैं तो शायद कोई फ्यूचर नहीं है। बट मुझे लग रहा है कि आप लोगों की कहीं ना कहीं बात होगी फिर से। प्रॉब्लम
प्रॉब्लम तो हो गई है, प्रॉब्लम दिख रही है कि काफ़ी बड़ी कुछ ऐसी बात हो गई है, आर्ग्यूमेंट भी इस तरीके का हो गया है कि गुस्से में आके आप दोनों ने उस चीज़ को कॉल ऑफ कर दिया हो, या बात नहीं कर रहे हो, या जिनकी हो भी रही है उनकी कम्युनिकेशन इतने अच्छे से हो नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिख रहा है कि रिग्रेट हो सकता है आपको किसी चीज़ उस इंसान को किसी चीज़ का, उस पर्सन को रिग्रेट हो सकता है। मे बी उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया हो, या वो पछतावे में है किसी चीज़ के, जिस तरीके से, जिस वजह से वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि शायद मैं इससे बात करूँगा तो फिर से मैं उसी उसमें ना फंस जाऊँ, और ये भी उनको हो सकता है कि पछतावा उनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का रिग्रेट तो है मुझे दिख रहा है, और इस रिग्रेट के चलते ही शायद वो आपको फ़ोन नहीं कर रहे हैं। उनको पता है कि मैं अब कुछ कर तो सकता नहीं हूँ, इस चीज़ में मैं बंद गया हूँ, तो मैं बात करके भी क्या करूँगा, शायद ये हो सकता है उनके मन में इस तरीके का कोई थॉट हो। बट फिर भी मुझे दिख रहा है कि आप लोगों की बात होगी, आप लोग एक दूसरे से बात आपकी होगी, और वो आपको कांटेक्ट करेंगे, हो सकता है वो आपको मिलें या आपको कांटेक्ट करें, या आप कहीं पे जा रहे हैं, निकलते दिखते एक दूसरे को मिल जाए और आप लोगों की बात हो, ये भी हो सकता है। किसी तरीके से भी वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपकी बात हो सकती है। बट मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा, उनमें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम आ गई है जो कि चाहकर भी ठीक नहीं हो पा रहे, या तो वो करना नहीं चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो गया है कि वो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। बट मुझे लगता है अगर आप शायद थोड़ी कोशिश करेंगे, या वो थोड़ी कोशिश करें अगर, तो चीज़ें स्मूथ हो सकती हैं, चीज़ें कुछ ऐसी फिर से वापस ट्रैक पे आ सकती हैं। कोशिश करनी पड़ेगी, अगर कोशिश करते हैं वो तो ज़रूर चीज़ें मुझे बेटर होती हुई दिख रही हैं। ऐसा नहीं लग रहा मुझे कि कभी कुछ ठीक हो ही नहीं सकता, अगर वो थोड़ी सी कोशिश करें तो चीज़ें मुझे बेटर होती हुई डेफिनेटली दिख रही हैं इधर। तो थोड़ी सी समझ की ज़रूरत है यहाँ पे, थोड़ी सी अगर समझ रखी जाए, अंडरस्टैंडिंग हो, तो चीज़ें या रिलेशनशिप आपका और भी ब्यूटीफुल हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी सी कमी दिख रही है, आप कम्युनिकेट करें एक दूसरे के साथ हो सके तो, और मुझे लग रहा है कि वो भी कम्युनिकेट करेंगे, कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं, जिसके लिए भी आप एक क्वेश्चन आपने चूज़ किया, कहीं ना कहीं आपको वो मिस कर रहे हैं, खुश नहीं हैं वो भी इस चीज़ से, परेशान हैं, बट उनको आगे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, जिस वजह से वो रुक जाते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ा नहीं रहे हैं। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं बहुत प्यार है उनके अंदर भी आपको लेकर, ऐसा नहीं मैं कह सकती कि वो बिल्कुल आराम से अपनी लाइफ में बिज़ी हैं, आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो बहुत खुश हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चीज़ें मुझे फिर से शुरू होती हुई दिख रही हैं, मुझे लगता है वो आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो ये थी कुछ चीज़ें, कुछ बातें आज की रीडिंग के बारे में। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग, और अगर आपको पसंद आई है, आपसे रेजोनेट करी है, तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी डिटेल्स मेंशन है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।